हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूनम 90। अगर आप गर्भवती हैं और आप पहली बार माँ बनने जा रही हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं डिलीवरी को लेकर। आप में से अधिकतर महिलाएं डर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे में मैं लेकर आई हूँ आपके सारे सवालों के जवाब, जिनके बारे में अगर आप पहले से ही जान लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक मेरी वीडियो समय से पहुंच सके। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिनका डिलीवरी रूम यानी कि लेबर रूम में जानने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेबर पेन। लेबर पेन सभी महिलाओं को होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। ये बात आपको भी माननी होगी। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेबर पेन कुछ घंटों तक या कुछ देर तक होता है। जो महिलाएं फर्स्ट बार माँ बनती हैं उनको प्रसव की अवधि लगभग 12 से 16 घंटे की होती है, और जो मल्टी पैरा होती हैं यानी एक से ज़्यादा बार माँ बनती हैं उनको लगभग प्रसव की अवधि में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। ये समय कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, जिसके कई रीज़न होते हैं। किसी किसी महिला को तो 2 घंटे से भी कम लगते हैं। डिलीवरी में सबसे ज़्यादा मेन रोल लेबर पेन के दौरान सही तरह से पुश करना होता है। आपको दर्द आने पर नीचे की ओर पुश करते हुए सांस छोड़नी है, ऊपर की ओर सांस को नहीं खींचना है। लेबर प्रोसेस के दौरान आपकी बर्थ कैनाल ओपन हो जाती है तथा सर्विक्स पूरी तरह से डायलेट हो जाती है। गर्भाशय संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन फीटस को यूट्रस से सर्विक्स तथा वेजाइना से होते हुए बाहर की ओर पुश करते हैं। डिलीवरी के दौरान जब आपको पेन आता है तभी पुश करना है। पेन ना होने पर पुश नहीं करना है, इससे बच्चे के सिर पर दबाव बन सकता है। शर्म को ख़त्म करना। लेबर रूम में आपके साथ डॉक्टर, नर्स और भी स्टाफ होते हैं। डॉक्टर या नर्स बार बार आपकी सर्विक्स को चेक करते हैं, देखते हैं कि सर्विक्स कितनी ओपन हो गई है। नॉर्मली क्या होता है कि सर्विक्स के पूरी तरह यानी 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाने पर ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। डिलीवरी में बच्चे के निकलने की प्रोसेस वजाइना से होकर होती है। ऐसे में अगर आप शर्म करेंगी तो आपकी डिलीवरी आसानी से नहीं होगी। आप अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाएंगी, इससे आपके बच्चे के लिए भी परेशानी हो सकती है। इसलिए शर्म छोड़ के आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है। जो नेक्स्ट बात होती है वो है कॉन्फिडेंस। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो ऐसा होने से कोई भी रोक नहीं सकता, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो। कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप डर, बेचैनी, झिझक को अपने अंदर से दूर करेंगे। आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, फिर देखना आपके मन में बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है आपको। डिलीवरी के पहले आपको ये नहीं सोचना है कि क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी के दर्द को सह पाऊंगी, दर्द कितना होगा। आपको इस सोच से अपने आप को दूर करना है, क्योंकि ये सोच आपको कमज़ोर बनाती है। हर महिला में बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है, वैसे भी बच्चे के सामने ये दर्द बहुत छोटा है। अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचें, इससे आपको मजबूती मिलेगी। लेबर रूम में आपको डर के साथ नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। नेक्स्ट बात है फैमिली का सपोर्ट। अगर पॉसिबल हो तो अपने हस्बैंड को अपने साथ रखें, यानी जिससे आपको हिम्मत मिलती हो। ये आपकी माँ भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है फैमिली मेम्बर। बहुत से हॉस्पिटल क्या होता है कि लेबर रूम में किसी और को जाना अलाउ नहीं करते। आप ऐसा हॉस्पिटल चूज करें जहाँ पे इनका जाना अलाउ हो। डिलीवरी में काफ़ी पेन होता है, आपके दर्द को तो कोई बांट नहीं सकता, लेकिन ऐसे समय में आपको हिम्मत ज़रूर दे सकते हैं, जिससे आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अपने बच्चे के बारे में सोचें और अपने आप को ये तसल्ली दें कि बस कुछ ही देर की बात है, बेबी आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो मैंने बताई हैं इस वीडियो में, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी